झारखंड के दुमका जिले से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। नमस्कार, मैं हूं सोनिका, तत्काल न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। मार्केट में पति के मौजूदगी के बावजूद 17 लोगों ने महिला के साथ किया दुष्कर्म। घटना मुफस्सिल थाना इलाके की बताई जा रही है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने बुधवार को FIR दर्ज की और मामले की जाँच कर रही है। जानकारी के अनुसार महिला अपने पति के साथ मार्केट से लौट रही थी, तभी इन दरिंदों ने महिला के पति को बंधक बनाकर महिला के साथ गैंगरेप किया। पीड़ित 5 बच्चों की मां है। महिला का बयान दर्ज किया गया है। बयान के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी राम मोहली समेत 17 लोगों पर FIR दर्ज की है। पुलिस ने आगे की जांच शुरू की है। DIG के साथ पुलिस अधीक्षक अमल लकड़ा ने घटना की सूचना मिलते ही थाना पहुंचकर घटना की जानकारी ली। दुमका SP नार उपयोगी ने तत्काल गिरफ्तारी का ऑर्डर दिया है। महिला को मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया है। मेडिकल जांच रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई होगी। महिला के पति से बात करने पर पता चला कि गांव में हर मंगलवार बाजार लगता है, जहां दोनों मिलकर बाजार गए थे और वापस लौटते समय 17 लोगों ने उनकी पत्नी के साथ इस हैवानियत को अंजाम दिया। सभी लोग नशे में धुत थे। उसमें से 4 से 5 लोगों ने उनकी पत्नी को उठाकर जंगल झाड़ियों में लेकर गए और बारी बारी से महिला के साथ बलात्कार किया। आरोपियों ने घटना की जानकारी किसी को ना देने की धमकी देकर जगह से फरार हो गए। मामले में पुलिस ने बताया कि जांच चल रही है और एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। आगे की पूछताछ जारी है। इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए तत्काल न्यूज के साथ।